नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। इस साल जीतिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत 29 सितंबर दिन बुधवार को निर्जला रखा जाएगा। इस दिन पुत्र के निरोगी लंबी आयु सुखी और सुरक्षित जीवन के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। लेकिन अगर माताओं को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है या फिर निर्जला व्रत रखने में असुविधा होती है तो ऐसे में आप जीतिया व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि घर परिवार में अगर कई महिलाएं हैं और सभी उद्यापन करना चाहती हैं तो ऐसे में आप सब एक ही साथ उद्यापन का विधि पूरा करके ये व्रत को स्थगित कर सकती हैं। बता दें कि इसके लिए सबसे पहले माताओं को कुंड तालाब पर जाने की जरूरत है, लेकिन अगर किसी शहर में कुंड या तालाब नहीं है तो ऐसे में आप घर पर गड्ढा बनाकर ही जिस तरह से जीवित पुत्रिका का व्रत पूर्ण करती हैं, वो सभी चीजें समान ही होंगी। जीतिया व्रत का उद्यापन करते हुए सभी पूजा विधि एक समान होगी जैसे आप जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। इस दौरान उन्हीं देवता की पूजा करेंगे जिसका आप जीतिया व्रत में पूजा करती हैं। बस कुछ चीजें इसमें जुड़ जाएंगी जैसे कि दान की चीजें। जी हाँ, पूजा संपन्न करने के बाद आप दान के लिए 5 खिलौना, 5 कपड़े, बच्चों के पंडित जी या फिर जरूरतमंदों को 5 जोड़ी कपड़ा या सामर्थ्य अनुसार 2 जोड़ी कपड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं। वहीं 5 बर्तन या 2 बर्तन, 5 फल, ये सभी चीजें आपको दान करनी होंगी। बता दें कि जीतिया व्रत के उद्यापन में ब्राह्मणों को भोज कराना बहुत ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन अगर ऐसा कर पाने में भी आप समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे में आप 5 अनाज ब्राह्मणों को दान जरूर करें। आप घर पर ब्राह्मण या जरूरतमंदों को बुलाएं, पूजा पाठ करें और इसके बाद दान का सामान उन्हें अर्पित करें। ध्यान रहे, अगर घर पर एक माता उद्यापन कर रही है तो इस संख्या में उन्हें दान करना होगा, लेकिन अगर घर में कई महिलाएं हैं तो उन्हें हर महिला के हिसाब से 5-5 चीजों का दान करना होगा। इसके बाद पारण जिस तरह से करते हैं, पारण की विधि और पारण का भी समय वही होगा, लेकिन अंत में पारण करने से पहले आप जिमूत वाहन भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपका उद्यापन स्वीकार करें और अगले साल से आप बिना व्रत रखे सिर्फ पूजा भी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।